इसराइल की जो एजेंसी है मुसाद उसने उसी ने किताब लिखी, 200 चैप्टर्स हैं उसमें, और नाजीस के बाद में हिटलर के नाजीस के बाद में उसी चैप्टर्स के अंदर 200 चैप्टर्स के अंदर किस तरह से नाजीस को अक्रॉस द वर्ल्ड जाकर के यहूदियों ने इसराइलियों ने असैसिनेट किया है उसमें उस सारी किस्से लिखे। उसी मुसाद की किताब में आपको यह नजर आएगा कि जब ये नाजीस ने इनके ऊपर होलोकॉस्ट किया 8 मिलियन 80 लाख लोगों को यहूदियों को होलोकॉस्ट में गैस चैम्बर में मार दिया है। अब कोई भी कम्युनिटी, कोई भी इंसान, कोई भी मुल्क जहां 80 लाख लोग को होलोकॉस्ट में मार दिया जाता है तो यकीनन जो बचते हैं उनके दिल में वो जज्बात, वो गुस्सा, वो डर वो बन जाता है। जैसा आज आपके हमारे दिल में जज्बात है, गुस्सा है, वो उनके भी दिल में उसको फंसा होगा, बना होगा। वो आकर के इसराइल का स्टेट बना और वो यहां बसे, मगर उनका काम वहां से शुरू हुआ, उनका काम वहां से शुरू हुआ। उन्होंने जाकर के नाजीस के कई लोगों को असैसिनेट किया वर्ल्ड ओवर। इथोपिया से 36,000 ब्लैक अफ्रीकन्स जो ज्यूइश थे, रेड सी करके किताब है दूसरी, वो भी मूसा की ही एक डायरेक्टर ने लिखी रेड सी। तो इथोपिया से ब्लैक 36,000 ब्लैक ज्यूइश लोगों को एयरलिफ्ट करके उन्होंने लाया बगैर सरकार को पता लगते हैं इथोपिया एंड सूडान से। उसकी एक बड़ी किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। अब वो जब 36,000 लोग को लाया तब इसराइल को स्टेट करके वहां पे उसको यूनाइटेड नेशन में जगह दी, उनको अपना स्टेट बनाने के लिए उन्होंने अपने मजहबी लोगों को इकट्ठा किया और वहां पे स्टेट बनाया। तो आप देखो एट ए टाइम कितनी उस पर वो काम कर रहे थे। एक तरफ जिन लोगों ने उनके बाप दादाओं को और फैमिलीज को मारा उनको जाकर के दुनिया में असैसिनेट कर रहे थे, दूसरी तरफ स्टेट बनाने के लिए दुनिया भर से ज्यूइश लोगों को अपने मुल्क में वो ला रहे थे, और तीसरी तरफ वो इस बात का असेसमेंट कर रहे थे कि आने वाले वक्त में हमारी कौम को सबसे ज्यादा परेशानी या खतरा किस कौम से होगा। तो आपके हमारे कुरान मजीद का तस्करा, उसका असेसमेंट, उसकी फाइंडिंग्स, उसका रिसर्च जितना मुसलमानों ने नहीं किया उतना ईसाइयों ने किया है, उतना यहूदियों ने किया। उनको पता था कि ये जो कुरान है, ये जो किताब इनको मिली है, अगर इसके ऊपर अमल ये मुसलमान करेगा तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन के उभरेगा। और इसीलिए उन्होंने दुनिया की जो मुस्लिम ममालिक कंट्रीज थी, आज फिलिस्तीनियों का मुसलमान कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज खुल के साथ क्यों नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही, खुल के मैं जो कह रहा हूं अल्फाज खुल के दे रही होगी, रसद पहुंचा रही होगी, मदद पहुंचा रही होगी, मगर किसी की ताकत नहीं है कि वेस्टर्न कंट्री के सामने पूरी ताकत से उनका सामना करे, क्योंकि इन्होंने उनको मुस्लिम कंट्रीज को कभी इकट्ठा होने नहीं दिया। आप वो मुसाब की किताब पढ़ोगे तो आपको उसमें शराब ईरान का दिखेगा, इजिप्ट का दिखेगा, वहां के बादशाहों को किस तरह हटा दिया वो दिखेगा, इराक का F-16 फ्लाइट प्लेन कैसा उड़ा करके इराक से लेके चले गए, सद्दाम हुसैन के खिलाफ कैसे उसके लोगों को कर दिया, सद्दाम हुसैन को कैसे सूली पे चढ़ा दिया, सद्दाम हुसैन क्यों, उसने क्यों कुवैत के ऊपर हमला किया था, और सद्दाम हुसैन को मारने के पीछे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन करके इन्होंने मीडिया में ये चलाई, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर भी एक किताब है, उस किताब को भी पढ़िएगा कि सद्दाम को मारने के लिए इन्होंने जिस तरह से अभी चल रहा है मुसलमान उग्रवादी टेररिस्ट, ये सिर्फ हिंदुस्तान की और अकल की बात नहीं है। तो ये जब से इजराइल स्टेट बना है तब से जहां जहां मुस्लिम कंट्रीज के अंदर या मुसलमान थे वहां पे उनको रोकने के लिए, दबाने के लिए, उनकी आवाज को खत्म करने के लिए ये एक स्ट्रेटेजिकली 1960s के बाद में ये एक मूवमेंट चली कि जहां भी मुसलमान अपने स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने आप के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मजहब के लिए आवाज उठाएगा तो वहां पे उसको एनिमी ऑफ द स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि जहां भी अभी हिंदुस्तान की मिसाल ले लो, आपके हमारे मुल्क में अंग्रेजों ने राज किया और उस वक्त जब अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ते थे
उनको क्या बोलते थे? टेररिस्ट।